गौ तस्करी करने वाले 3 गौ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 जिंदा गाय की बरामद, अवैध असलहे भी बरामद। गोकशी करने वाले गौ तस्करों को शिकोहाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैंटर से 12 जिंदा गाय और एक मृत सांड को किया बरामद। एटा की तरफ से शिकोहाबाद आ रहा था गोवंश से भरा हुआ कैंटर। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर कैंटर को पकड़ा। 3 को तस्कर भागने में हुए सफल। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रण विजय सिंह ने किया पूरी घटना का खुलासा। गौ तस्करों के पास से अवैध असलहे और एक स्विफ्ट कार की बरामद। पकड़े गए 3 को तस्करों पर पहले से है कई मुकदमे है दर्ज। पकड़े गए गौ तस्कर 2 मुरादाबाद की और 1 मुजफ्फरनगर का। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए इंस्पेक्टर शिकोहाबाद को कल सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कुछ गोवंश लिए जा लेकर के कुछ तस्कर जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो एटा चौराहा है वहाँ पे FCI गोडाउन के पास इस ट्रक की घेराबंदी की। उसमें कुछ लोग थे, उनको हम लोग तत्काल चारों तरफ से दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास किया। 3 लोग अरेस्ट हुए उसमें, और जब ट्रक की तलाशी ली गई उसमें 13 गोवंश पाए गए। और उसके बाद इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये विभिन्न जगहों से इन गोवंशों को इन लोगों ने उठाया है। उसके बाद इसको ला करके वहाँ पे इसकी तस्करी करके और इसको वहाँ मुरादाबाद की तरफ ले जाएंगे। हम लोगों ने इनके बारे में छानबीन की है। ये सभी बहुत ही रिनाउंड गो तस्कर हैं। इसमें से एक जुनैद जो खतौली मुजफ्फरनगर के से फरार भी हुआ था पुलिस कस्टडी से, इसमें 2 मुरादाबाद के हैं और एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बाकी इस गैंग में और भी छानबीन की जा रही है, काफ़ी लोग हैं इसमें, और इनके जो गैंग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये कहीं से फरार भी हैं? अभी इनके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली है, अभी फरार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। इनके ऊपर हो सकता है इनाम भी हो, चूँकि काफ़ी मुकदमे इनके खिलाफ हैं। तो पूरी जानकारी हम लोग जहाँ जहाँ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से पता कर रहे हैं।